मोदी सरकार देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। अभी हाल ही में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करने वाला भारत फ्रांस से राफेल विमान भी खरीद रहा है। तो वहीं भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर की डील भी पक्की हो चुकी है, जो अगले साल यानी 2019 से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। ताकतवर चिनूक की जल्द डिलीवरी को देखते हुए भारतीय वायुसेना के पायलट्स को इसे उड़ाने के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग भी दी जाने लगी है। वायुसेना के 4 पायलट्स और 4 फ्लाइट इंजीनियर्स ने इसी महीने 8 अक्टूबर से अमेरिका के डेलावेयर में चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से 16 अक्टूबर को इसकी जानकारी देते हुए ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आपको बता दें कि भारत ने साल 2015 में 15CH-47Fi चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से डील की थी। बोइंग अमेरिकी सेना की बड़ी साझेदार कंपनी मानी जाती है। अमेरिकी सेना के लिए रक्षा उपकरण बोइंग ही तैयार करता है। यूएस आर्मी में चिनूक हेलीकॉप्टर की कितनी अहमियत है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सेना के कमांडो इसी हेलीकॉप्टर में ओसामा बिन लादेन को मारने पाकिस्तान गए थे। मल्टी मिशन चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम और इराक के युद्ध में भी किया था। भारत ने जिस CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर की डील की है, वो 9.6 टन का वजन उठा सकता है। इसमें भारी मशीनरी, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। यानी आर्मी के ट्रकों को ऊंचे स्थान पर ले जाने में भी चिनूक बेहद कारगर साबित होगा। प्राकृतिक आपदा के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर चिनूक ने वैसे तो 1962 में पहली उड़ान भरी थी, लेकिन समय समय पर इस हेलीकॉप्टर में सुधार होता गया। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष पीयूष कुमार के मुताबिक भारत को चिनूक का सबसे हाईटेक एडिशन मिलेगा, जिससे भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलेगी।